नमस्कार, गली न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुषमा पांडे। आज हम बात करेंगे वैश्विक महामारी और हमारी व्यक्तिगत क्षमता की। COVID-19 यानी कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में दहशत फैला रखा है। जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, वैश्विक स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक। परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन को और भी आगे बढ़ाया जा सके। कुछ राज्यों में कुछ शर्तों के साथ अनलॉक 1.0 की अनुमति दी जा चुकी है। इसका बिल्कुल भी यह संकेत नहीं है कि कोरोना वायरस का खतरा हमारे बीच से टल चुका है। कोरोना वायरस अब भी हमारे इर्द गिर्द है। जरूरत है हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतने की। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हमारा आहार, हमारा खान पान, शुद्ध संतुलित आहार लें। अपने डाइट में फलों को शामिल करें, खासकर खट्टे फलों को। गर्म पानी का सेवन करें, जंक फूड ना खाएं। योग अपनाएं। योग, हम इसे बोरियत भरा व्यायाम समझने की गलती करते हैं, पर योग हमारे मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के बीच समन्वय का काम करता है, यानी तालमेल बैठाता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूती देता है। बेसिक योग जरूर करें। स्क्रीन ऑफ लें। हम इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में स्क्रीन के आदि हो गए हैं। टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन पर ज्यादा लगे रहने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर होगा हम किताबें पढ़ें, घरेलू काम सीखें, फैमिली के साथ इंडोर गेम्स खेलकर खुद को रिफ्रेश करें। कोरोना वायरस के साथ साथ देश तूफान, टिड्डी और बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। बेहतर होगा न्यूज से इन्फॉर्मेशन लें, उसे खुद पर हावी ना होने दें। किसी भी इन्फॉर्मेशन मैसेज को बिना सुनिश्चित किए आगे ना बढ़ाएं। इस प्रकार सिटीजन जर्नलिज्म के गलत उपयोग से बचें। जरूरत को देखते हुए ट्रेन और डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलने लगी हैं। इस समय यात्रा करना आम दिनों से बिल्कुल अलग है। मास्क लगाकर ही यात्रा करें। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अपने डेस्टिनेशन यानी अपने घर पहुंचकर खुद को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन जरूर करें, यानी अपने घर में ही रहकर अपने घर के सदस्यों से 14 दिनों के लिए दूरी बनाए रखें। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गली न्यूज़।